तो देखिए टेक्निकली क्या है कि ये लाइन दे रखी है और हमें क्या करना है, इक्वेशन मान लीजिए कि ये लाइन है L। अगर हम फिगर वाइज इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें तो सपोज ये लाइन L हो गई और हमें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 1,2 से पास करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लाइन जो L है 1,2 से पास कर रही है? अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, और यहाँ पे 2 रख दें तो 2। क्वेश्चन यही कहा गया है, दिया गया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x - 1। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2, जो आपका RHS आ रहा है। इसका मतलब इटसेल्फ ये खुद लाइन, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। इसका मतलब कि ये पॉइंट इसी लाइन का कहीं ना कहीं क्या होगा, मेंबर होगा। तो अगर आप चारों जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, हाँ, पुट करके देखेंगे, है ना, 1,2 से। अब देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो इसकी स्किल अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन ए को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहां पे एक्स की वैल्यू आप 1 रख दीजिए और वाई की वैल्यू क्या रख दीजिए, 2। तो देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है किसी भी हालत में आंसर नहीं हो सकता है, हमें आगे वर्क करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सोच लीजिए। इसी तरह से आप बी ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 जो RHS हो जाएगी, 3 - 2 = 6, और क्या हो जाएगा आपका y प्लस, ये इक्वल नहीं है, इसका तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम लोग सी ऑप्शन पे आ जाएं और x की वैल्यू 1 रख दें तो राइट हैंड साइड आपकी 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई 2 रखने पे, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारा ये आंसर है कि नहीं, अभी बात की बात है। डी वाले को देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेकिन डी वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है। डी वाले में जो लाइन है आपका y - 2 = क्या दे रखा है, x - 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा अगर 2 को उधर ले जाएं, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है। ये बात समझ में आ गई? तो ये किसी भी हालत में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। तो 3 ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, हमें कोई भी वर्किंग की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, हमें आगे उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का आपका स्किल अलग होता है ना, कुछ उसमें दिमाग लगाते हैं, कुछ रिजेक्शन लगाते हैं, है ना, तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम उन्हें सब्जेक्टिव तरीके से करें। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द लाइन, और हमें क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एफ। अब देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट पी है तो जो पी एफ लाइन है वो लाइन एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या हो गया कि ये जो लाइन है वो पॉइंट पी से होके जा रही है, पी से पास कर रही है। तो अब देखिए पहले तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर हम पी एफ की इक्वेशन लिख ले, मोटा मोटा सोचिए कि अगर हम पी एफ की इक्वेशन लिख ले तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है एफ। ठीक है, इसका मतलब उन दोनों लाइंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करें, सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले पी एफ की इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो पी एफ की इक्वेशन लिखें, पी एफ की इक्वेशन लिखने का मतलब कि पहले पी एफ का हम क्या करें, स्लोप निकालें। तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये y = mx + c फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसे कंपेयर कर लेंगे m1 और c1। तो m1 क्या दिख रहा है, m1 दिख रहा है हमें 3, और इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2 है। तो क्या हो जाएगा, m1 × m2, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी -1 आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3 और m2 = -1। तो m2 क्या आ गया आपका,
माइनस वन बाई थ्री। अब देखिए पीएफ लाइन का क्या आ चुका है, स्लोप आ चुका है, पीएफ पे एक पॉइंट पता है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दे इक्वेशन लिखने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पीएफ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। अब बताइए अगर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y1 ये x1 y1 हो गया आपका, मतलब y माइनस थ्री इक्वल टू, साउंड नहीं आ रहा है, हेलो साउंड नहीं जा रहा क्या, सही से जा रहा है बट एक डिस्टरबेंस आ रही है वॉइस में कहीं, अभी भी आ रही है, अब नहीं आ रही है, हाँ हमें भी आ रही थी तभी हम परेशान थे कि क्यों हो रहा है, हाँ देखो तो y माइनस थ्री इक्वल टू एम क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन की जगह पे क्या रख दे, टू रख दे, अब थ्री इधर लाइए क्या हो जाएगा, थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का टू, अब सब कुछ एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री वाई और ये क्या है माइनस का नाइन और माइनस का टू माइनस का इलेवन या इक्वल टू इलेवन कर ले, ठीक है, ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन और ये आपकी क्या थी पहली इक्वेशन। हम लोग क्या कर दे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दे, y की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो x प्लस थ्री टाइम्स y का मतलब थ्री एक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू इलेवन, है ना। अब बताइए कितना आ गया, थ्री थ्री जा नाइन एक्स, नाइन एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स आ गया, तो टेन एक्स इक्वल्स टू थ्री फोर जा ट्वेल्व और उधर जाएगा ट्वेल्व तो क्या हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस वन, अब ये एक्स कितना आ गया माइनस वन बाई टेन आ गया। अब देखिए क्या ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है या मोर देन वन ऑप्शन है, बी वाला तो बी ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे हाँ पुट करके भी आ जाएगा लेकिन अच्छे क्वेश्चन जब जेई वही के रहेंगे तो आपको करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे रख दे और y की वैल्यू चाहे तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ पे कहीं भी रखेंगे लेकिन ये आसान दिख रहा है यहाँ से आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले पहला तरीका जो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया वो तो कर ही लेंगे, है ना, कि इस लाइन का हम स्लोप निकाल लें, हमें क्या करना है इस लाइन L पे जो ये L दे रखी है इस पे परपेंडिकुलर लाइन और कहां से आपका 1,2 से, या यूं कहें कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 1,2 से पास करे। अब देखिए ये भी लाइन परपेंडिकुलर है लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 1,2 से पास नहीं कर रही है, ये भी लाइन है लेकिन ये 1,2 से पास नहीं कर रही है, लेकिन ये लाइन है देखिए ये 1,2 से पास कर रही है लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये L पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब हमें इसकी इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें इसकी भी इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें इसकी भी इक्वेशन नहीं चाहिए, किसकी इक्वेशन चाहिए जो लाइन परपेंडिकुलर हो गिवन लाइन पे और साथ में वो 1,2 से क्या करती हो पास करती हो। अब जब भी किसी लाइन के लिए, अब देखिए तेजी से कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी लाइन दी गई है से L है, जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन होती है हमारी AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू जीरो। अगर मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमने होमोजीनियस पार्ट पे ध्यान दिया X और Y वाले पार्ट पे, कॉन्स्टेंट पे हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइंस होती हैं, इन्हें कहा जाता है दीज आर द फैमिली ऑफ लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब जो ये फैमिली है इस फैमिली की इक्वेशन होती है, अब जो ये आपका एक्स वाई वाला पार्ट है इसमें एक्स और वाई के कोफिशियंट इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब ए एक्स के साथ है अब वो किसके साथ दिखेगा वाई के साथ, जो आपका वाई के साथ कोफिशियंट है
वो एक्स के साथ दिखेगा, और बीच में साइन चेंज कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस, इक्वल्स टू हम लोग लैम्डा मान लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन एल। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि इस लाइन एल पे अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एक पूरी फैमिली एग्जिस्ट करती है, सब की आ जाएगी। अब डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कवर हो रहे होंगे, किसी लैम्डा के लिए ये कवर हो रहा होगा, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए सपोज ये कवर हो रहा है, 5 के लिए ये कवर हो रहा है, तो हमें लैम्डा के लिए एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाता है। अब इस चीज को अगर अप्लाई करें तो जो हमारी ये लाइन एल दी गई है ये आपके पास दिख रहा है, हम लोग इसके फैमिली ऑफ क्या लिखें, परपेंडिकुलर लाइंस, तो हम यहां पे लिखेंगे फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू द गिवन लाइन। तो क्या हो जाएगा, इनके वन वन कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन बीच में साइन चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू लैम्डा, ये आ गया। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, लैम्डा कैसे निकले, तो लैम्डा निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखा है कि वो वाला जो मेंबर है जिसे जिसकी आपको तलाश है वो 1,2 से पास कर रहा है, तो हम लोग क्या करा दें, जो हमारी फैमिली ऑफ लाइन है उसे 1,2 से पास करा दें, मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या प्लेस कर दें, 1 प्लेस कर दें, वाई की वैल्यू क्या प्लेस कर दें, 2 प्लेस कर दें, लैम्डा हमारा आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सिंस अबव लाइन पासिंग थ्रू 1,2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1-2 इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा क्या आता हुआ दिख गया, लैम्डा -1 आ गया। बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वापस यहां ला के रख दीजिए, तो 10 जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो हो जाएगा x-y = -1। एक तरफ ले आइए, x-y + 1 = 0। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन, ये दूसरा तरीका हो गया है ना, इससे पहले वाले हमने दूसरा तरीका लगाया था और इसमें हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन को लेके प्रोज किए। ठीक, तो सारी आप चीजें सीखते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है स्लोप बताना है लाइन का जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है दोनों एक्सिस पे। ठीक है, मतलब एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। इसका मतलब सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट हम लोग देखें, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका लेंथ क्या है, ओ से लेके ए तक है और ओ से लेके बी है, तो हमने कह दिया कि ये इंटरसेप्ट है लाइन के द्वारा, तो लाइन आपकी क्या हो गई, लाइन इस तरह से जाएगी, ये लाइन हो गई। तो ये जो लाइन है दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है ना, लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्सिस की है ना, तो ये OA क्या हो गया, दैट इज इंटरसेप्ट बाय द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। OB क्या हो गया, इंटरसेप्ट बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। लेकिन एक लैंग्वेज और यूज करी जाती है, क्या, इंटरसेप्ट बाय द एक्सिस ऑफ द लाइन, वो लाइन सेगमेंट AB की बात कर रहा है इसका मतलब। तो जो दोनों एक्सिस है वो भी इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं और लाइन भी इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्सिस का, है ना, तो कौन से इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ये लैंग्वेज में आप पढ़ा करिए ध्यान से, है ना। तो यहां पे कहा गया है कि लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्सिस का, मतलब OA और OB की बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA और OB क्या है, इक्वल है। अब मान लीजिए अगर इसे हम मान लेते हैं A, से ये A है, अगर ये A लेंथ है, इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0 हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,A हो जाएगा, इसका मतलब ये भी A है, इक्वल इंटरसेप्ट था। तो हम कहेंगे कि अब दो पॉइंट अगर पता चल गए तो स्लोप तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा करने से पहले हम लोग अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपना दिमाग इवॉल्व करें, तो हमें क्या दिख रहा है कि लाइन, जो भी लाइन है ये क्या बना रही है, ये बना रही है ऑब्ट्यूस एंगल। अब सोचिए कि हम कैसे गारंटी कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम ज्योमेट्री से गारंटी कर रहे हैं, आपका ये एंगल 90 डिग्री है
और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट इंटीरियर। इसका मतलब जो भी ये एंगल होगा ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप नेगेटिव आएगा। मतलब इसके दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, एटलीस्ट कौन कौन सा, सी और डी रिजेक्ट हो गया। ए अपने आप रिजेक्ट हो गया, क्यों, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, ये लाइन कभी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। इसका मतलब तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ए सही होगा। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो आपने थोड़ा सा अपना आईक्यू इस्तेमाल किया तब। लेकिन अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो पॉइंट दिया गया हो तो स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो गया, x2 माइनस x1। अब y2 मान लीजिए इसी में किसी को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, x2 y2, ये x2 y2 हो गया। तो y2 क्या है आपका, जीरो है, और y1 क्या है, a है, अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस जीरो, क्या आता हुआ दिख गया, माइनस ए अपॉन ए, ए कट गया, क्या आ गया, माइनस वन। लेकिन इतना वर्किंग कोई करने की जरूरत नहीं है, यही इंटेलिजेंसी होती है कंपटीशन के लिए, कि कंपटीशन का आपके पास 27-28 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जेई में अगर देखा जाए या कोई कंपटीशन है 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आईक्यू बेस्ड होते हैं, और वहीं पे लड़का बीट करता है एग्जाम को और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके पास सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, मतलब वो टाइम उस पे सीधे आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप 300 क्वेश्चन या 2800 क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करने लगे तो आपको टाइम बचेगा ही नहीं। इसका मतलब आपसे पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसका मतलब वहीं पे आप पीछे हो गए, ठीक है। तो कंपटीशन देना, नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज तो है लेकिन आपकी क्रॉस चेकिंग कितनी है, कितना आपने इवॉल्व किया है थ्योरी को, कैसे आप क्रॉस चेकिंग सीखे हैं हर चैप्टर के साथ, ये बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन, चाहे आपका बीएचयू निकालना हो, चाहे आपका सीयूटी जो भी हो गया है इसके थ्रू आपको कहीं जाना हो, या फिर जेई हो गया, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप एक हैं, आपका दिमाग भी एक है, कंपटीशन भले 10 हो लेकिन आप अपने आप को इवॉल्व करेंगे तो हर जगह वैसे ही परफॉर्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। चलो देखो, तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो लाइन है उसका इंटरसेप्ट मेड बाय द एक्सिस है ना। अब लाइन का इंटरसेप्ट नहीं देख रहे हैं, एक्सिस द्वारा लाइन का इंटरसेप्ट देखा जा रहा है। तो ए बी लाइन सेगमेंट का पी जो है मिड पॉइंट है, और आपको लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है। अब सपोज मान लीजिए कि अगर ओ ए इंटरसेप्ट होता, मान लीजिए स्मॉल ए बी यूज कर लिए हैं सब, तो हम लोग क्या कर लें इसे, मान लीजिए पी मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पी है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो गया, क्यू हो गया। तो लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करोगे, कि दोनों इंटरसेप्ट आपने यूज कर रखे हैं, तो आप कहोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन x एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब p और प्लस y अपॉन y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपने फर्स्ट इक्वेशन है ना एज्यूम कर ली कि ये आपकी इक्वेशन होगी, लेकिन p और q आपका अननोन है, इसको a और b के टर्म में चाहिए, तो कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज नहीं किया, हमें कहा गया है p मिड पॉइंट है। तो बताइए a का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, oa की लेंथ है तो p कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट q हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि जो a है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि हम कहेंगे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस p बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से p कितना आता हुआ दिख गया, 2a आता हुआ दिख गया। सिमिलरली जो b है वो क्या हो जाएगा, q प्लस 0 बाई 2 हो गया। तो q कितना हो जाएगा, q बिकम 2b। अब हम लोग वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें p और q की, तो क्या आ जाएगा, दस इक्वेशन बिकम, दस जो इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल्स टू 1। अब प्रूफ क्या करना है, इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना था, तो 2 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप x अपॉन 2a, ठीक है, 2 इंटू y अपॉन 2b इक्वल्स टू 2 इंटू
वन, ये टू टू कट जाएगा, क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। दैट्स वाई यही प्रूव करना था हमें, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगर इस हम क्वेश्चन तो देखिए, जब भी कोई लाइन होती है ना, और जीरो जीरो से किसी एक्स, पहले तो देखो जनरल कि अगर हम लोग ये कोई लाइन एल है और लाइन की इक्वेशन हमेशा दी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू जीरो टाइप का, है ना, ये लाइन होती है। और अगर कोई पॉइंट आपके पास क्या है, ओरिजिन है या एक्स वन वाई वन है, या ओरिजिन से मान लेते हैं पहले, ओरिजिन 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 है, तो अगर ओरिजिन से आप ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हो किसी लाइन एल पे, तो निकालना बड़ा आसान होता है। उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो मॉड ऑफ सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशियंट और प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई का कोफिशियंट और टोटल अंडर रूट में। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ओरिजिन टू द एनी लाइन, ठीक है। अब यही आपको यहाँ दोनों जगह पे लगाना है, पी और क्यू कवर हो जाएंगे, उसके बाद एलएचएस में वैल्यू प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी आपको क्या दिख रहा है, सी की जगह पे दिख रहा है आपका के कॉस टू थीटा। तो हम कहेंगे कि जो पी हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी इक्वल टू मॉड ऑफ के कॉस टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स का कोफिशियंट है मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस जो वाई का कोफिशियंट है मतलब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। लेकिन अब ये बताइए नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये पॉपुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इसका मतलब पी क्या आ गया आपके पास, पी आ गया के कॉस टू थीटा। तो ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं, इसी तरह से हमारे पास Q आ जाएगा, तो Q आएगा यहाँ पे मॉड ऑफ C, मतलब C क्या है वहां पे K दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे K अपॉन, मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन है ना ऑलरेडी, हाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए x का कोफिशियंट क्या है, sec थीटा है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब K, अब यहां देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से आप खेल लीजिए, क्या हो जाएगा sec थीटा मतलब 1 by cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 by sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते ही क्या दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन स्क्वायर इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके मंडलाई हुआ और होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये ध्यान रहे कि न्यूमरेटर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से की वजह से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या आएगा दैट कम्स आउट टू बी के साइन थीटा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया क्यू हो गया, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो एल एच एस दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, क्या चीज पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर, आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं बीच में ना, इतना जगह हमारे पास है, तो हम कहेंगे कि एल एच एस पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर, अब पी की जगह पे हम रख दें कितना k cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 क्या हो जाएगा q मतलब k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा k स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस इसको देखा जाए ये और ये, तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या दिख रही है साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और थीटा अगर दोनों जगह पे सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। इसका मतलब थीटा एलिमिनेट हो गया, आ क्या गया के स्क्वायर, और यही क्या है आपका आर एच एस है, हेंस प्रूफ। ठीक, ठीक है। तो देखिए आपके पास दे रखा है कि ये लाइन है जो एक्स एक्सिस पे ए और बी रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट कट करती है। एक्स पे हमने अज्यूम कर लिया ए इंटरसेप्ट है, वाई पे बी है, और पी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूफ करना है कि 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, है ना, कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लाइन कहाँ है, है ना, तो लाइन को लिखा जा सकता है क्योंकि आपके पास दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इक्वल्स टू वन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर सी अपॉन क्या होता था याद है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो पी है वो सी अपॉन मॉड ऑफ सी अपॉन क्या होता था, अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पे देखिए 1 बाई ए है, ना कि ए है ना, यहाँ 1 बाई ए है, और जो सी की जगह पे हम क्या लिखें 1 लिखेंगे, अगर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 1 लिखेंगे, मॉड प्लस कर देगा उनको, है ना, तो इधर लाके आप समझ लीजिए लिख लीजिए, तो माइनस 1 है सपोज, ये बात समझ में आई। तो एक्स का कोफिशियंट 1 बाई ए है इसका स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर 1 बाई बी का स्क्वायर। अब ये क्या आ रहा है, आता हुआ दिख गया, दैट इज p equals to 1 upon a square, 1 का square तो 1 ही होता है, है ना, और plus क्या हो गया 1 by b square। अब देखिए p को हम इधर लाए और इस पूरी square root को हम उधर ले जाए bracket as a bracket, तो क्या हो जाएगा it become 1 by a square और plus क्या हो गया 1 by b square equals to 1 upon क्या हो गया p हो गया। अब एक step away है अपने प्रूविंग से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट हटा प्रूफ हो गया आपका, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां लिख देंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव करना था। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखी है x अपॉन 3 y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और ये कह रखा है कि आपको y एक्सिस पे एक पॉइंट इन्वेस्टिगेट करना है या पता करना है जहां से हम परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पे तो क्या हो 4 यूनिट डिस्टेंस हो वो। तो हमें पता है कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट अगर हमने ले लिया जो 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में, है ना, एक पॉइंट होगा जो जहां से डिस्टेंस भी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ज्योमेट्री है। खैर अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा है तो आप आराम से कैलकुलेशन में आपकी ये चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए लेकिन कंपटीशन के लिए जरूरी है कि इस तरह का दिमाग आपका चलते रहना चाहिए, चलेगा तभी कंपटीशन में आपकी कुछ स्टेप्स क्या होंगी कम होंगी। कई बार वो दे देता नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लेता कंपटीशन में, तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ज्योमेट्री से पता चल जाता। खैर तो हमने कहा कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट सपोज 0, y टाइप का होगा, है ना, और हमें वाई निकालना है, या 0, b टाइप का ले लेते हैं, वाई थोड़ा अजीब लग रहा है, 0, b टाइप का ले लेते हैं कि 0, b एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे तो वो लेंथ 4 यूनिट के बराबर होगी। अब देखिए किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन, ये मॉड में रहेगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए आपके पास ये जो लाइन दे रखी है वो लाइन रहेगी, है ना, तो लाइन आपके पास ये दे रखी है ना, क्या क्या लाइन दे रखी है, अगर आप इसको और कायदे से लिख लो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 12 मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ 3y हो जाएगा,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 या माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये आपकी लाइन वैसे ही दिखने लगी जब आपकी स्टैंडर्ड लाइन होती है जिसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है 4 है जो यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर, और फिर वाई का कोफिशियंट क्या है 3 है जो बी की जगह पे है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब एक्स वन वाई वन क्या है आपका, तो ये देखिए आपका ये दोनों क्या हो गए एक्स वन और वाई वन हो गए जहां से आपको परपेंडिकुलर डालना है। तो x1 हो गया 0 और y1 हो गया b हो गया, तो यहाँ रख दे हम लोग तो रख देंगे यहाँ पे रख देंगे 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी और माइनस 12, और ये लेंथ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यही तो निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 3b माइनस 12 अपॉन 5 आ गया, 5 इधर आएगा 20, मतलब mod of 3b minus 12 आप equals to 20 लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या किया हमने कि पूरे जो LHS को RHS में लिख दिया और पूरे RHS को हमने LHS में लिख दिया, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर LHS से कोई एक टर्म RHS में जाता तब साइन चेंज होता, या RHS से LHS में कोई एक मेंबर आता तब चेंज होता, लेकिन यहाँ पूरी पूरी कहानी पलट गई LHS को RHS, RHS को, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। खैर अब देखिए मॉड हटाते ही क्या होता है प्लस माइनस लिखते हैं हम लोग, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस 20, तो एक बार आप क्या लोगे प्लस 20 फिर आप बी निकालोगे और एक बार माइनस 20 लोगे फिर बी निकालोगे, तो दो बी की वैल्यू आएगी आनी भी चाहिए। तो केस वन हम क्या ले लेंगे, केस वन में हम ले लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है ना, तो हम लिखेंगे 3b माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस का 20। अब बताइए b कितना आता हुआ दिख गया 20 और प्लस 12 32 हो जाएगा 32, और 32 अपॉन 3 तो ये तो कटने वाला है नहीं है ना, तो वही रख देंगे 32 अपॉन 3, तो एक आपका b की वैल्यू आ गई 32 बाई 3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 32 बाई 3, एक पॉइंट हो गया। दूसरा केस टू जब हम क्या ले लें निगेटिव ले लें टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 3b माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका That is equals to minus 20. अब b कितना आ जाएगा यहां से That is minus कितना हो जाएगा 8 upon 3, तो minus 8 upon 3, तो दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया आपका क्या 0, 32 by 3, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया एंड 0, minus 8 by 3, तो these are the two points जो पहले से aspected थे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है एक पॉइंट आर एच कॉमा के है, और ये लाइन ठीक है लाइन सेगमेंट को जो एक्सिस के द्वारा इंटरसेप्ट कट किया जा रहा है उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, मतलब अगर हम लोग एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा वेरिएबल है, किसी का लैम्डा हो सकता है, किसी का म्यू हो सकता है, किसी का पी हो सकता है ना, तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा बाद में, और हमने वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मान लिया बी। सपोज मान लीजिए ए और बी की वैल्यू हमने एच और के टर्म में निकाल ली, तो हम लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे एक्स अपॉन ए मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और ए को एच के टर्म में आना चाहिए और बी भी क्या आना चाहिए एच और के टर्म में आना चाहिए। अब देखिए वो कैसे निकलेगा, मुझे पता है सेक्शन फार्मूला, ये रेशियो इस साइड में मल्टीप्लाई होगा और ये रेशियो इस साइड मल्टीप्लाई, लेकिन इधर कहां मल्टीप्लाई होगा पॉइंट्स में, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0 और बी का हो जाएगा 0, b, और जब एक्स कोऑर्डिनेट आप है ना इंटरटेन करोगे तो सिर्फ एक्स से मतलब रखोगे, तो एच इक्वल्स टू 1 into 0 प्लस 2 into a होल अपॉन सम ऑफ द रेशियो 1 plus 2। अब यहां से ए बताइए क्या आता हुआ दिख गया, ए जो आ रहा है वो 3h upon 2, तो 3h upon 2 आ गया। अब a की वैल्यू हम वहां पे डाल देंगे है ना, yes, इसी तरह से k y कोऑर्डिनेट, अब जब y कोऑर्डिनेट का रिलेशन देखेंगे तो y से मतलब रखेंगे 1 into b
और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो और अपॉन सम ऑफ द रेशियो 1 प्लस 2। तो यहां से b क्या आता हुआ दिख गया, b आ गया आपका 3k। अब ये वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे, है ना, अपना डमी वेरिएबल रिमूव कर देंगे, तो x अपॉन a मतलब 3h अपॉन 2 मतलब 2 ऊपर लिख दे रहे हैं, और प्लस y अपॉन 3k इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। अब अगर hk से मल्टीप्लाई 3hk से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बढ़िया सी इक्वेशन दिखेगी, 3hk से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें हम 3hk से। अब अगली लाइन में लिखिएगा hk, तो देखिए जब ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h कट जाएगा, k बचेगा तो 2kx हो जाएगा, ये 2kx, और जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3k कटेगा h बच जाएगा, तो प्लस hy और इक्वल्स टू 1 में मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं कटेगा पूरा रहेगा, तो 3hk। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, दैट इज अ रिक्वायर्ड लाइन। Yes, sir.